संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की फिल्म वध आपको पूरे टाइम पर्दे पर टकटकी लगाकर देखने को मजबूर कर देगी और कई जगह पर तो वध आपको अजय देवगन और तब्बू की ब्लॉकबस्टर फिल्म दृश्यम 2 से भी बेहतर लगेगी। हमने हत्या नहीं वध किया है, ये एक लाइन ही संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की फिल्म का पूरा सार है। एक मिडिल क्लास दुबला पतला बेबस बुजुर्ग व्यक्ति है जिसके घर में चूहे को मारा नहीं जाता बल्कि पकड़ के कहीं छोड़ दिया जाता है कि उनके हाथों कहीं हत्या ना हो जाए। वही एक दिन एक निर्मम हत्या को अंजाम देता है। कहीं कहीं ये फिल्म आपको दृश्यम की याद दिलाएगी, पर यकीन मानिए कि ये आपको उससे कहीं ज्यादा रियल और प्योर लगेगी। फिल्म की कहानी एक रिटायर्ड टीचर शंभुनाथ मिश्रा यानी कि संजय मिश्रा की है, जो ग्वालियर में अपनी पत्नी मंजू मिश्रा यानी कि नीना गुप्ता के साथ रहता है। बेटे की पढ़ाई और उसके करियर के लिए उन्होंने प्रजापति पांडे यानी कि सौरभ सचदेवा से ब्याज पर पैसे उधार लिए हैं। अपने हाथ पैर पर खड़ा होने के बाद बेटे ने माता पिता को किसी भी तरह की मदद करने से मना कर दिया। शंभुनाथ जी के पास बार बार कर्ज लेने और प्रजापति पांडे से अपमानित होने के सिवा कोई और चारा नहीं है। प्रजापति पांडे भी इस दंपति को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, कभी इन्हें सरे आम पीटता तो कभी नशे की हालत में इनके घर पर लड़की लेकर आ जाता। इन सब से तंग आकर एक दिन शंभुनाथ मिश्रा का सब्र जवाब दे जाता है और फिर जो वो करते हैं वो आपको श्रद्धा वाकर मर्डर केस की याद दिला देगा। इस मर्डर के बाद शुरू होती है प्रजापति पांडे की असल चुनौती। तो क्या पुलिस कभी हत्यारे का पता लगा पाएगी या नहीं? क्या प्रजापति पांडे और मंजू मिश्रा को जेल होगी? और फ्रेंड, एक्टिंग की बात करो तो यहाँ पर संजय मिश्रा जी ने जो है बहुत ही लाजवाब एक्टिंग की है। गंभीर विषय पर संजय मिश्रा लाजवाब हैं। एक परेशान बुजुर्ग और हताश बाप की भूमिका में वो जबरदस्त हैं। किसी किसी जगह अपने भाव शून्यता से वो आपको अंदर तक दहला देंगे। नीना गुप्ता को अच्छी फिल्म मिली जिसमें वो पूरी तरह से घुल गई। आम जिंदगी की परेशानियां और आपसी नोकझोंक आपको बहुत अपनी सी लगेगी। पति के कत्ल करने के बाद भी उसके साथ मजबूती से खड़ी रही बीवी के किरदार में नीना काफी दमदार हैं। नीना गुप्ता के हिस्से डायलॉग भले ही संजय मिश्रा से कम आए पर वो अपने मौन में भी अभिनय करती हैं। सौरभ सचदेवा के किरदार से आपको नफरत हो जाएगी। अपने अभिनय से वो इतनी घृणा भर देते हैं कि देखने वाले को लगता है कि शंभुनाथ मिश्रा ने इसका वध पहले क्यों नहीं कर दिया। यही एक कलाकार के तौर पर उनकी जीत है। महाविज पुलिस अफसर के किरदार में प्रभावी लग रहे हैं। बाकी कलाकारों ने भी ठीक अभिनय किया है। फिल्म की कहानी ग्वालियर की है, मध्य प्रदेश का एक शहर जिसकी झलक आपको पूरी फिल्म में देखने को मिलेगी। निर्देशक लेखक की जोड़ी जसपाल सिंह सिंधु और राजीव बरनवाल ने फिल्म को रियल बनाने के लिए इसे शूट भी ग्वालियर में ही किया है। इन दोनों ने बैकग्राउंड की बारीकियों पर भी काफी ध्यान दिया है। परेशान होने पर भी पति के सामने मजबूत बने रहना आपके दिल को छू जाएगा। तो फिलहाल फ्रेंड, आपको वध मूवी की स्टोरी कैसी लगी? और हाँ, ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो फ्रेंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको इस तरह के वीडियोज देखना पसंद है। तो फिलहाल मिलते हैं फ्रेंड अगले वीडियो में।